हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी गमलों की सफाई, जो मुझे लगाना है टमाटर के पेड़। तो मैं कुछ सीड डाल देती हूँ। क्या है, मेरे यहाँ भी बारिश भी हो रही है, तो बहुत अच्छे से आ भी जाते हैं और जल्दी से लग भी जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। गर्मी भी है लेकिन बारिश, पता नहीं कैसा मौसम है मेरे यहाँ का। तो 5-6 दिन से कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी भी बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये मेरे इसमें टमाटर के ही कुछ पेड़ लगे थे, तो मैंने कहा चलो फिर से लगा देती हूँ। मुझे पेड़ लगाना बहुत पसंद है और मैं हमेशा अपने हाथ से ही लगाती हूँ। इसने अभी लगा देती है लेकिन नहीं, वो पानी तो देती है पेड़ों को लेकिन वो लगाती नहीं है। मैं अपने हिसाब से लगा देती हूँ, बच्चे हैं वो इतना नहीं समझते हैं, तो उनको सीधा लगाना कैसा लगाना। तो मैं हमेशा अपने हाथ से ही पेड़ों को लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बस मैं ये कर चुकी हूँ सफाई, यहीं पर। और ये मेरा जो मैं इसको ऐसे मतलब पेड़ों को थोड़ा सपोर्ट रही थी ना, तो वो टूट गया है। तो अभी मैंने मंगाया भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो इसी से काम हो जाएगा। उसके चक्कर में सीड्स भी नहीं डाल पा रहे थे हम, तो मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जब से मैं अपने मायके से आई हूँ, लेकिन आलस के मारे कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज सोई नहीं हूँ मैं, तो मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ मैं। और ये हो गया है मेरा कंप्लीट, ये हो गया है। और ये स्नेहा ने कर दिया है, मैं इसको भी करूँगी। आज मैं पूरे पेड़ों को ठीक तरीके से कर देती हूँ। फिर मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी भी निकालूँगी, फिर सीड्स डालूँगी इसमें टमाटर के, फिर हल्का हल्का सा पानी छिड़क दूँगी इसका। ये मेरा पेड़ है कड़ी पत्ता का, मुझे और ये है समीर पत्र का पेड़, जो अच्छा होता है घर में लगाने से। बस अब मैं सीड्स डालूंगी, मैंने सब पेड़ कर दिए हैं। और ये है मेरा छोटू सा डेकोरेटिव प्लांट, और मैं इसको, ये मैंने बहुत छोटा लगाया था लेकिन ये भी बड़ा हो गया है। अब मैं इन सब की मिट्टी निकाल लूंगी बाहर, फिर मैं सीड्स डालूंगी इनमें। और मैं आपको टोमेटो सीड्स दिखाती हूँ। ये मैं क्या है, ऊपर से ही डालो ना, तो इतना मजबूत पेड़ नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको मिट्टी निकाल के फिर इसमें सीड्स डाल देंगे, फिर दोबारा से इसको ऊपर मिट्टी भी डाल देंगे और फिर हल्का हल्का सा पानी डाल देंगे। है टोमेटो सीड्स, जो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम कम डालना है, बस इतने ही डालना है, और भी कम डालना है। लेकिन मैं, अच्छा लगता है मुझे, मेरे यहाँ से सब लोग ले जाते हैं कि आपके यहाँ पेड़ है तो हमें दे दीजिए, तो मैं इसी में से निकाल के दे देती हूँ कि ठीक है, मैंने लगाया तो ठीक है, सबको पसंद है तो सब ले जाइए। और मैं अच्छे थोड़े से घने घने डाल रही हूँ इसमें। और ये मैंने इन दोनों में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी, फिर ऊपर से हल्का हल्का सा पानी डालो, इसको पूरा कोट कर देंगे।
अच्छे से कोट कर दिया है। फिर अभी मैं इसको पानी लाऊंगी तो हल्का हल्का सा हाथों से पानी दे देंगे। ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, अब मैं इसमें भी लगा देती हूँ। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ, क्या लगाऊँ इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ठीक है, इसमें मैं धनिया लगा देती हूँ क्योंकि घर में धनिया भी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं धनिया भी लगा देती हूँ इसमें। आधे मैं धनिया और आधे मैं मिर्च कर देती हूँ इसको, मैं ऐसा कर रही हूँ। क्या है मेरे पास, हाँ चलो ठीक है, एक प्लांट और खाली है अभी मेरे पास, तो मैं उसमें ही लगा देती हूँ। इसमें मैं लगाने वाली हूँ धनिया। है धनिया का बीज जो आप देख सकते हो, तो इसको फोड़ के लगाना है, इसको डायरेक्टली नहीं लगाना है। ये धनिया के सीड्स है जो डायरेक्ट नहीं डालना पड़ते, इनको फोड़ना है कि ये एक से दो, मतलब एक पीस है तो उनको दो हो जाए हर पीस का, तो क्या है जल्दी आ जाती है धनिया और बहुत अच्छी आती है। और ऐसा डालेंगे तो बहुत टाइम लेती है वो, इसलिए मैं हमेशा फोड़ के ही लगाती हूँ और ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना ही है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इसको, और ये देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है इसमें। इसमें मैंने ये धनिया के सीड्स डाल दिए हैं। और थोड़ी सी और क्या है, मुझे बहुत घनी घनी लगाना है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, वैसे कम कम डालना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो रखा है तो डाल ही देती हूँ। तो मैं इनको अच्छे से तोड़ लूँ। और ये बस टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा सा और रह गया है। क्या इनको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन तोड़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए इसके एक के दो पीस हो जाना चाहिए। और ये मैं डाल दूँगी अच्छे से, क्या है मुझे थोड़ा घना ज़्यादा बिरला हुआ धनिया अच्छा नहीं लगता, तो मैं अच्छे से कर रही हूँ कि पूरे गमले में अच्छे से फैल के आ जाइए। तो बस ये भी मेरा धनिया भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं क्या है पूरा जब आएगा ना तो बहुत अच्छा है। धनिया का सीड्स डाल दिया है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से कोट कर दूँगी, मिट्टी डाल दूँगी मैं इसको। ये मैंने मिट्टी डाल दी है, अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ थोड़े से और टमाटर का पेड़ ही।
फ्लावर के पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो मैंने सोचा चलो यही लगा लेते हैं। और मसीड्स रखे थे मेरे पास, पहले भी मैंने लगाया था, और यही मैं टमाटर के मसीड्स बचे हुए थे, मैं दोबारा से इसको डाल दूँगी इसी में, और बस फिर दोबारा से इसको कोट कर दूँगी मिट्टी से ही। और ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें मैं लगाने वाली हूँ मिर्ची का पेड़, जो इसने यहाँ कर रही है इसको भी खा ली। और अब मैं इसमें मिर्च के सीड्स डाल दूँगी। अपने और प्लांट्स दिखाती हूँ, मिर्ची के सीड्स जो मैं इनको भी डाल दूंगी। और फिर मैं इसमें मिट्टी ही डाल दूंगी। इसने अब मुझे दे दो, एकदम से फैला दूंगी इसमें। चुका है कंप्लीट। अब मुझे इसमें बस हल्का हल्का सा पानी देना है, मैं आपको वो भी बताती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाना है एकदम से। और ये भी लग चुका है, का प्लांट जो मैंने बहुत छोटा लिया था और अब ये बहुत बड़ा हो गया है, तो हवा आती है ना तो उस साइड चला जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये टूट ना जाए, क्योंकि मैंने इसको बहुत छोटे से लगाया है। जब कोई भी चीज़ अपने घर में आ जाए और वो कुछ ख़राब हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैंने सोचा चलो इसको इस ग्रिल से ही बांध देती हूँ मैं, तो उस साइड नहीं जाएगा। और ये है कड़ी पत्ते के बीज जो मैं इसको तोड़ के रख रही हूँ, फिर किसी गमले में इनको भी लगाऊँगी और फिर मैं इसको बांध दूंगी, चाहे जितनी हवा है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, गर्मी बहुत हो रही है। और मैंने हाँ देख सकते हैं अपने खुद ही हाथों से मैंने पेंट किया है हर कमरे में, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने दिवाली में मेरे घर में पेंट हुआ था, तो मैंने कहा चल सब जगह पेंट हुआ तो कमरे भी ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो फिर मैंने इनको अपने हाथ से पेंट कर दिया था। देख सकते हैं मेरे गमलों की पेंटिंग कैसे की है मैंने, कलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नहीं मिले क्या? बांध दूंगी अपने कड़ी पत्ती के पेड़ को, क्योंकि हवा बहुत चल रही है ना, तो ये उस साइड बाहर की साइड जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बांध देंगे कि ये टूटे ना। चलो चलो मैं इसको बांध दूंगी अच्छे से, ये जो उस साइड ना जाकर जाएगा तो टूट जाएगा ये। अरे यार पत्ते को पकड़ रही, छोड़ ना पत्ते तो क्या हो? और अब मैं इसको अभी अच्छे से बांध रही हूँ कि जो उस साइड में आ जाए। थोड़ा सा इसको ग्रिल से बांध दूंगी,
कोट के लिए इससे बांध रही हूँ कि वो हवा से ग्रिल के बाहर ही जा रहा था अगर बांध रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी सपोर्ट उससे दे देती हूँ उसको। तो मैंने ये बांध लिया। और ये हमारा हो गया है फाइनली का। बस थोड़ा सा हल्का सा पानी देना है मुझको, जो मैंने अभी सीड्स डाले हैं, ज़्यादा नहीं देना है। और ये मैंने मग में पानी लिया है जो मैं हल्का हल्का सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है। एकदम से डालेंगे ना तो सीड्स इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाला है। पेड़ों में पानी जब तक नहीं देना चाहिए जब तक उनकी मिट्टी चटक ना जाए। क्या है कुछ लोग हैं ना तो वो ज़्यादा इतना पानी दे देते हैं पेड़ों में एकदम भरे हुए कि गर्मी या गर्मी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एकदम से नहीं देना चाहिए पेड़ों को पानी, जब तक उनकी मिट्टी थोड़ी चटके ना जब तक नहीं देना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं मेरा फाइनली काम हो चुका है। अरे मैंने पेड़ों को भी जो मैंने सीड्स डाले थे ना उनमें भी मैंने पानी दे दिया है। अब मैं इसको एक दिन तो नहीं डालूंगी, फिर दूसरे दिन फिर हल्का हल्का डालेंगे। एकदम से नहीं डालना है, हाथों से ही डालना है। एकदम से डालने से पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। और ये और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।